वेलकम। आज हम लोग देखेंगे ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है वर्ड में। तो शुरू करते हैं इमेज से। इमेज लगाने के लिए इंसर्ट पिक्चर इमेज चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने ये एक पिक्चर लगाया है। साइज को छोटा बड़ा करना है तो अगर आप ये जो पॉइंट के हैं डॉट्स देख सकते हैं आप, अगर आप इस पॉइंट को डॉट्स को क्लिक करके इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो साइज जो होता है एक प्रोपोर्शनल ऑर्डर में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। अगर आप इस पॉइंट को राइट और लेफ्ट इसको आप अगर करते हैं तो साइज जो है प्रोपोर्शनल ऑर्डर में नहीं होता, सिर्फ विड्थ या यहाँ से करते हैं तो सिर्फ हाइट इंक्रीज होती है। ये जो ग्रीन पैनल है इसका यूज क्या है? इसका यूज है अगर आपको फर्दर इस इमेज को रोटेट करना है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने किया ये बस आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। तो फिलहाल अंडू मैं कर दे रहा हूँ। तो ये तो बात हुई इमेज लगाने की। तो इमेज लगाने के लिए आपको इंसर्ट में पिक्चर में आना है, फिर चूज कर लेना इमेज। आप जरा यहाँ जो ये रिबन कंट्रोल की लिस्ट है आप देखिए क्या यहाँ यहाँ पे ग्राफिक्स ऑप्शन आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट का टैब आ गया। ये फॉर्मेट टैब में क्या है? या तो आप जब डबल क्लिक करते हैं तो वो फॉर्मेट टैब ओपन होकर आ जाता है। तो देखिए फॉर्मेट टैब में शुरू करते हैं। ये है ब्राइटनेस। आपको पिक्चर का ब्राइटनेस क्या रखना है, रिस्पेक्टिवली जितना चाहिए आप कर लें। कॉन्ट्रास्ट है, देख सकते हैं इफेक्ट। अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है तो आप इसको मतलब रिकलर, रिकलर में जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया ग्रे स्केल। कहा जाता है कि जब आपका प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट हो और आप उस समय ग्रे स्केल का यूज करके प्रिंट करते हैं तो क्या होता है कि प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होती, एक्चुअल में जैसा दिख रहा है वैसा आता है। लेकिन अगर आपका प्रिंटर जो है ब्लैक एंड वाइट है और आप उस पर कलर को प्रिंट कर रहे हैं मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, रिकलर कर दिया। रिसेट पिक्चर रिसेट करना है, जो भी आपने चेंज किया है वो जब इंसर्ट किया तो उसी स्टेट में चला जाएगा। चेंज पिक्चर इसको हटा के और कोई पिक्चर लगाना है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर क्या है? कंप्रेस पिक्चर को करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा पिक्चर लिया मैंने सैम्पल पिक्चर से कोला का और इस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे डॉक वन के नाम से। और अभी हम देखना चाहते हैं साइज। उस इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक पिक्चर है और अब साइज देख रहे हैं कि 773 KB। तो ये साइज बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक्चुअल में ये जो पिक्चर हमने ऐड किया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में इस पिक्चर का जो साइज है वो है इतना KB, 762। क्यों है साइज ज़्यादा? क्योंकि इस पिक्चर का रेजोल्यूशन हाई है। ये देख सकते हैं आप रेजोल्यूशन, आप जब पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी दिखता है। तो रियल में ये पिक्चर तो काफ़ी बड़ा है लेकिन हमको क्या इतने बड़े पिक्चर की ज़रूरत वर्ड में? हमको तो इतना बड़ा ही देखना है, या सपोज किसी केस में हमको इतना ही बड़ा दिखाना है तो हमको इतने हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर लगाने की ज़रूरत क्या है? तो उस केस के लिए आप यहाँ को इसको कंप्रेस पे क्लिक करके पिक्चर के साइज को कम कर सकते हैं। अप्लाई किया, ऑप्शन पर आए और यहाँ पे ये तरह तरह के दे रहे हैं। फिलहाल मैंने 96 है PPI स्क्रीन, जितना भी आपको चाहिए। तो मैंने क्योंकि ये साइज छोटा है इसलिए मैंने क्या कर लिया, इमेज ओके किया और फिर हमने सेव किया। आइए अब देखते हैं उस पिक्चर की साइज, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि साइज कितना कम हो गया, 23 KB। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं इस ऑप्शन का लेकिन देना चाहिए। कभी आपको जब मेल वगैरह भेजना है और आपके डॉक्यूमेंट में वर्ड में बहुत सारे पिक्चर्स लगे हैं तो आप यहाँ से उनकी साइज को कंप्रेस जरूर करें अगर वो पिक्चर हाई रेजोल्यूशन के हैं तो। ठीक है, अब हम अपनी वही प्रीवियस इमेज ले लेते हैं। इसके बाद है ये पिक्चर स्टाइल इफेक्ट, बस माउस ले जा रहा हूँ, दिख रहा है, देख सकते हैं आप, बड़ा ही प्यारा इफेक्ट है ये। देखिए ट्रांसपेरेंट, ये मेरा सबसे फेवरेट
इफेक्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे की तरफ भी उसका एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट एरिया आ रहा है। तो ये तो मेरा फेवरेट है, अब बाकी आपको जो यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए है, देखिए कितना प्यारा लुक मिल गया हमारे पिक्चर को, एक जान आ गया उसमें। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे पिक्चर शेप क्या है। पिक्चर शेप पे जब हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये तो पूरा का पूरा ऑटो शेप में आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी शेप पे क्लिक कर करते हैं तो ये जो पिक्चर है ये उसी शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे फिलहाल मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, अप रिबन, देखिए क्या प्यारा सा इफेक्ट हमारे पिक्चर के ऊपर आ गया। आप जिस भी शेप में लेंगे वो पिक्चर उस शेप में आ जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि पिक्चर का लेआउट तो कट ही जाएगा, तो आप ध्यान दें कि आपको कौन सा शेप लेना है। देखिए कितना प्यारा इफेक्ट। तो फिलहाल मैंने यही इफेक्ट रखा, ठीक। इसके बाद है बॉर्डर कलर, जो ये पिक्चर है इस पे जो बॉर्डर लगा है, जो भी आप चाहें कलर ले लें। बॉर्डर कलर मैंने नहीं लगाया। पिक्चर इफेक्ट देखते हैं क्या है। पिक्चर इफेक्ट प्रीसेट में देखिए क्या आप देख रहे हैं, नॉर्मल पिक्चर को कितना अट्रैक्टिव हमने बना लिया। शेडो लगाना है, शेडो भी आप लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे इफेक्ट पिक्चर पे आ गए, ठीक। तो इस तरीके से आप अगर कोई इमेज लगाते हैं तो वर्ड में इमेज प्रोसेसिंग के ये जो फॉर्मेट में कई सारे दिए हुए हैं ऑप्शन, इससे आप अपने पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। 3D रोटेशन में देखिए, तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप सारे ऑप्शन को चूज करें, देखें, ठीक। अभी फिलहाल मैंने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट में ये ब्लैंक है, कुछ टेक्स्ट मुझे लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मुझे टाइप ना करना पड़े इसलिए हम हेल्प में आ गए और इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक। देखिए होता क्या है कि हम लोग अक्सर डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं हमको पिक्चर को टेक्स्ट के साथ में रखना होता है या बीच में रखना होता है, लेकिन इसमें देखिए क्या हुआ, टेक्स्ट जो है पिक्चर के नीचे आ गया। तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए पोजीशन है। पोजीशन क्या है, आप जो है यहाँ पे इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पिक्चर बीच में रहेगा, बाकी टेक्स्ट उसके नीचे, जो ये नीचे का है इसमें क्या है, पिक्चर साइड में रहेगा, बाकी टेक उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ पे इस इफेक्ट की अप्लाई देख सकते हैं, ठीक। बुक्स वगैरह में इस टाइप से दिया रहता है, तो इसकी तो डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ेगा जब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें टेक्स्ट के साथ पिक्चर लगाना हो, तो वहाँ पे उसका जरूर पड़ेगा। देख रहे हैं कितना प्यारा इफेक्ट बन गया और मैंने जस्टिफाइड कर दिया। ये आप जब बुक टाइप की कुछ चीज़ें लिखेंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली 101% इस इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और भी है कुछ टेक्स रैपिंग। टेक्स रैपिंग का मतलब क्या है, ये देखिए स्क्वायर है, अगर मैंने बिहाइंड टेक्स कर दिया तो टेक्स पिक्चर के ऊपर आ जाएगा। तो तरह तरह के हैं ऑप्शन, फ्रंट टेक्स, तो पिक्चर देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर आ गया। तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो पिक्चर के लिए इतना बहुत है, आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए और अपना एक अलग लुक बनाइए पिक्चर के लिए, ठीक। पिक्चर के बाद हम आते हैं क्लिप आर्ट में। क्लिप आर्ट क्या है, देखिए क्लिप आर्ट क्या है, जब हम लोग वर्ड को इंस्टॉल करते हैं वर्ड के साथ में बहुत सारे बने बनाए पिक्चर ऐड हो जाते हैं जिसको कि हम लोग क्लिप आर्ट के थ्रू लगा सकते हैं। तो मैंने क्लिक किया क्लिप आर्ट पे, एक साइड में विंडो क्लिप आर्ट का हुआ ओपन। इसके बाद आपको क्लिक करना है ऑर्गेनाइज चार्ट पे,
ऑर्गेनाइज चार्ट पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद ये देखिए ट्री कंट्रोल में दिख रहा है, यहाँ पे कई सारे कलेक्शन है, तो आपको जाना है ऑफिस में, ऑफिस में हम आए, एकेडमिक में इतने, एग्रीकल्चर में इतने, एनिमल में इतने, तो ऐसे तरह तरह के हैं, बिजनेस में इतने, ठीक। तो अब आपको जिसको भी यूज करना है आपको इसको ड्रैग और ड्रॉप करना होगा, जैसे मुझे इस पिक्चर को करना है तो मैंने इसको क्लिक किया, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप किया, ठीक। तो ये पिक्चर यहाँ पर लग गया। आपको बता दें कि क्लिप आर्ट में जो पिक्चर होती हैं ये क्या होते हैं, ये वेक्टर इमेज होते हैं। वेक्टर इमेज क्या होते हैं, जो लोग कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि वेक्टर इमेज क्या होते हैं। वेक्टर इमेज में क्या होता है, ये जो पिक्चर बना हुआ है इसके जो भी हिस्से बने हुए हैं ये जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू बना है, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका एक्स ये है, वाई ये है, समथिंग समथिंग इस टाइप से। तो जो वेक्टर इमेज होते हैं इनकी खास बात ये होती है, आप इनको चाहे जितना भी जूम कर लो इनकी पिक्चर क्वालिटी कम नहीं होती है, ब्लर नहीं होगी, हमेशा ऑलवेज वैसा ही रहेगा। आप देख सकते हैं जितना भी बड़ा आप कर लें पिक्चर क्वालिटी ब्लर नहीं होगा, ठीक है। कोरल में बेसिकली जो भी चीज़ें बनती हैं वो वेक्टर होती हैं, ठीक। आप इस पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं, क्या करना है, डबल क्लिक करना है, इसके बाद चेंज एडिट पिक्चर पे आ गए हम, और यहाँ आप देखिए मैंने क्लिक किया तो ये हिस्सा जो जो हिस्सा हो रहा है सेलेक्ट आप देख सकते हैं। सपोज मुझे इसके पेपर का साइज चेंज करना है तो आप उस पर क्लिक करें, राइट क्लिक, यहाँ पे फॉर्मेट ऑटो सेव देख सकते हैं आप, फॉर्मेट ऑटो सेव, फॉर्मेट ऑटो सेव पे क्लिक करते हैं तो ये मैंने कलर इसका चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने रेड कलर दे दिया और ओके किया। तो इस टाइप से आप जो भी चाहें चेंज कर सकते हैं, जैसे इनका हेयर है, हेयर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ आप देखिए क्या है, एडिट पॉइंट। एडिट पॉइंट क्या करता है, क्योंकि ये वेक्टर इमेज है तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो मैं इसको फोल्डर और चेंज कर सकता हूँ। जैसे इसके हेयर को मैंने यहाँ से ड्रैग किया, फिर इसको यहाँ से ड्रैग किया, ये देखिए, ठीक। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को हटा भी सकते हैं, जैसे ये वाले रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट की प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट की प्रेस किया, तो वो हट गया, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड में ये सारे इमेज हैं। तो आप अपना प्रोसेसिंग क्लिप आर्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसे, ठीक। चलिए ये तो बात हुई क्लिप आर्ट की, आते हैं नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट है हमारा शेप्स। शेप्स में क्या है, वर्ड में बहुत सारे इनबिल्ट बने बनाए शेप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा इसके पहले भी जब वो पिक्चर को चेंज कर रहे थे, तो इतने सारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स हैं, आप अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड को बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको यूज किया, ड्रैग ड्रॉप करना है, हम लोग पेन ब्रश पढ़े हुए जानते ही हैं। अब ये जैसा कि है इमेज, इस पर कलर फिल करना है तो ये तरह तरह के दिए हुए हैं ऑप्शन, यूज करते आए हम लोग इसको। फिलहाल मैंने इस पर ये ऑप्शन लगाया, अब आपको इसमें टेक्स्ट को लिखना है तो राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, और हमने यहाँ पे लिख दिया गिरफा न्यू लाइन स्टूडेंट न्यू लाइन हेल्प। आपके साथ भी ऐसा होगा, देख सकते हैं कि हम जो लिख रहे हैं ये अलाइनमेंट इसका सही नहीं है, तो अलाइनमेंट को अगर आपको सिलेक्ट करना सही करना है तो आपको एंट्री करना है, एंट्री करने के बाद इस पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक। तो टेक्स्ट डायरेक्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जो इसका इफेक्ट है वो आ गया, ठीक। देखिए इस टाइप से आप कुछ अट्रैक्टिव वे में अपने काम को कर सकते हैं। बाकी जो ग्राफिक्स के जितने भी हैं ऑप्शन जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे शेप चेंज करना हो, शेप का कलर चेंज करना हो, 3D इफेक्ट ढकना हो, वर्ड आर्ट पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था ये चीज़ें, अगर आपको फिर से ढकनी है तो आप इंसर्ट टैब का जो फर्स्ट पार्ट वाला मेरा लेक्चर है वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है जो हमारे पास, वो है सैमसंग ने देख लिया स्मार्ट आर्ट। ये बहुत ही पावरफुल इन्वेंशन था वर्ल्ड 2007 में, जो कि 3 में नहीं था। ये एक नई चीज़ थी जो 7 में आई है, और आगे का जो करंट वर्जन है इसमें इसको और भी ज़्यादा एडवांस कर दिया, और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे ग्राफिक्स को ऐड कर दिया गया है। स्मार्ट आर्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको एक प्रोफेशनल ग्राफिक्स अगर आपको बनाना है, यहाँ पे बने बनाए कई सारे टेम्पलेट, जस्ट एक दो क्लिक पे हम लोग उसको बना लेंगे, जिसके लिए फोटोशॉप पे हमको लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है। ठीक, सवाल ये कि हमको स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत क्या है। देखिए, स्मार्ट आर्ट की ज़रूरत इसलिए भी है कि कहावत है ना कि एन पी पिक्चर वर्ड थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। आपको कोई बात अगर कहनी है तो आप अगर एक पिक्चर के माध्यम से कहें तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है, लोगों को जल्दी समझ में आता है। तो वही चीज़ आपका स्मार्ट आर्ट में भी है। नेक्स्ट हम लोग चार्ट में देखेंगे। फिलहाल स्मार्ट आर्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैटेगरी है, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पैरामिड। तो लिस्ट में इतने सारे ऑप्शन हैं, प्रोसेस में इतने सारे हैं ऑप्शन। आपको पिक्चर ही देख के अंदाज लग जा रहा है कि ये किस टाइप के सिचुएशन में, किस टाइप के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में यूज हो सकता है। जैसे कि आपको पॉलिटिकल सर्वे करना है तो ये यूज हो सकता है, कैटेगराइज किसी प्रोसेस को दिखाना है ये यूज हो सकता है, लाइफ साइकिल दिखाना है तो ये यूज हो सकता है, ऐसे तरह तरह के हैं। हायरार्की में आप देख सकते हैं, कैटेगराइजेशन अगर करना है तो वहाँ यूज हो सकता है, रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड समथिंग समथिंग, पायरामिड है ये। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन में इसको यूज करते हैं। फिलहाल हम आते हैं लिस्ट में, कोई एक स्टाइल हम चूज कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये किया चूज, ठीक, और ओके किया, तो ये देखिए टेम्पलेट हमारे सामने आ गया। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हार्डवेयर, हार्डवेयर, और यहाँ पे हमने लिख दिया फिजिकल, एंटर किया कंपोनेंट। देखिए एंटर किया तो एक नया बुलेट आ गया। अब आपको इसको अगर हटाना है तो क्लिक करके बैक स्पेस करेंगे, और यहाँ पे हो गया सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे मैंने कर दिया सिस्टम, एंड एप्लीकेशन। यूजर सॉफ्टवेयर क्लाइंट हो सकता है, आपका कोई ऑपरेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक आप देख सकते हैं कि एक कितना अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल वे में मैंने इस कैटेगराइजेशन को दिखाया कि एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर में ये चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होती हैं, यूजर मतलब हार्डवेयर से शुरू करना है, सॉफ्टवेयर पे जाना है, यूजर पे जाना है। तो एक कितना अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल इम्पैक्ट ये स्मार्ट आर्ट छोड़ रहा है। ये तो एक स्मार्ट आर्ट है, ऐसे इसमें बहुत सारे स्मार्ट आर्ट हैं। हमने जब क्लिक किया इस पर तो आप देख सकते हैं, डबल क्लिक किया तो स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन आ गए डिज़ाइन मेनू के थ्रू। तो यहाँ पे अगर देखिए दिया हुआ है आपको चार्ट बदलना है तो आप बदल सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए कितना अट्रैक्टिव ग्राफिक्स है प्रोफेशनल वे में। तो अलग अलग स्मार्ट आर्ट के अलग अलग हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं को, मतलब यहाँ आप देखिए पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप लिस्ट में ही हो, आप कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये जो दे दिया हुआ है कलर स्कीम है, कलर आपको कैसा चाहिए देख रहे हैं। फिर ये इसमें तो ये था स्मार्ट आर्ट। एक फॉर्मल वे में, प्रोफेशनल वे में आप कई एक अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बना सकते हैं। प्रोसेस हमको जैसे दिखाना है, जैसे देखिए
यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का हमको सपोज मान लीजिए ब्लॉक डायग्राम बनाना है, तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया एक और हमने लिख दिया इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देखिए लग रहा है ना प्यारा, क्लिक किया तरह तरह के ऑप्शन, ये देखिए कितना अट्रैक्टिव ग्राफिक्स है। अगर आप इसको कोरल या फोटोशॉप में बनाने जाएं तो कितना टाइम हमारा कंज्यूम होगा, देखिए इफेक्ट कितने प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, विवल एम्ब्रोज जो फोटोशॉप में यूज होता है, ये था। तो आप स्मार्ट आर्ट की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्राफिक्स जस्ट कुछ क्लिक में यू बना सकते हैं, और आपको इसको यूज करना चाहिए क्योंकि आपका बहुत समय बचता है। खैर, स्मार्ट आर्ट के बाद हम आते हैं चैट पे। चैट का क्या है यूज, देखिए चैट के थ्रू जो एनालिटिकल डेटा है जिसमें हमको कि कोई एनालिसिस करना होता है, जैसे एग्जाम का रिजल्ट डिस्प्ले करना है, आप मार्केटिंग फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं तो एनालिसिस करना है कि किस सेल्स पर पर्सन ने कितना सेल किया नहीं किया, इस टाइप की चीज़ें हैं। और चार्ट हम लोगों ने अपने स्कूल के दिनों में कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, तो उसको एक्सेल में क्या कैसे बनाएंगे उसके लिए देख देखते हैं। हमने चार्ट पे क्लिक किया तो ये चार्ट का डायलॉग बॉक्स हुआ ओपन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने तरीके के चार्ट हैं। अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं CCC या O-Level, तो आपको चार्ट के कुछ नाम याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दो तीन चार्ट के नाम दे देगा, फिर आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा चार्ट नहीं है, चार्ट का सही नाम नहीं है। और कई बार देखा गया है कि यहाँ पे ये जो डोगनट चार्ट है इसको कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चार्ट के नाम याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल मैंने कॉलम चार्ट लिया, ओके किया। ये देखिए ये जो राइट हैंड साइड में विंडो है, ये कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख कर आया है, हमको यहाँ पे एंट्री करनी है डेटा की। तो करते हैं, पहला सब्जेक्ट मान लीजिए हमने माना हिंदी, दूसरा सब्जेक्ट मान लीजिए माना इंग्लिश, शॉर्ट में मैंने लिखा है, तीसरा सब्जेक्ट माना आर्ट्स, स्टूडेंट का नाम मान लीजिए राम, थर्ड का नाम है श्याम, फोर्थ वन का नाम है सीता, और इस कॉलम को हम डिलीट कर दे रहे हैं ताकि चार्ट हमारा देखने में सिंपल लगे। ठीक, अब ये तो हो गई आपकी एंट्री। जब आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पे एक्सेल की ये जो सीट है इसको क्लोज पे क्लिक करना है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कितना अच्छे से दिख रहा है। जैसे श्याम का जो है मार्क्स जो है इंग्लिश में ज़्यादा है, और सबसे कम मार्क्स हम अगर देखें तो श्याम का ही है, और वो सब्जेक्ट है सीता का है, इंग्लिश है। तो इस टाइप का अगर आपको एनालिसिस करना हो तो आप इस टाइप के चार्ट को यूज कर सकते हैं। बाकी चार्ट के साथ क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या सेटिंग है, आप जब इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखिए ये है एडिट डेटा। अगर मान लीजिए हमको चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमारा डेटा फिर से ओपन होकर आ गया, इसको मैंने कर दिया 6। तो आप देख सकते हैं किसी एक का जो है मार्क्स बढ़ गया, जिसका भी मैंने बढ़ाया हो, आई थिंक जो भी रहा हो राम सीता जी जो भी रहा हो, देखिए यहाँ पे बढ़ गया। मान लीजिए राम का मुझे हिंदी का कम करना है तो एडिट डेटा पर आए और राम का जो हिंदी का मार्क्स है इसको कर दिया 2.3। देख रहे हैं हम राम का हिंदी का डेटा कम हो गया 2.3 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप चार्ट के तरह तरह के मतलब डेटा को अगर करना है ऐड तो वो कर सकते हैं। बाकी जब आप चार्ट पे राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे किया है, और फॉर्मेट इसको बोलते हैं प्लॉट एरिया, फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे आए तो तरह तरह के आपके आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हमको फिल करना है सॉलिड फिल, ठीक, ट्रांसपेरेंसी लेवल क्या रखना है, ये चीज़। ऐसे ही जब आप ये जो बीम्स हैं
यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसको डेटा सीरीज बोलते हैं। फॉर्मेट डेटा सीरीज पे हम जब क्लिक करते हैं तो कितने तरीके के ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनकी सेटिंग को कर सकते हैं। जैसे फील में इसका कलर क्या हो, सॉलिड फील में आपको कलर आप चेंज करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लेवल, या जो आप करना चाहो। ठीक, मोर कलर चाहते हैं तो यहाँ से आप और भी कलर लगा सकते हैं। ठीक, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर में क्या रखना चाहते हैं, कुछ है इसमें मगर मैंने रेड कर लिया तो बॉर्डर कलर दिख रहे हैं, देख ले है, ले ले। हाँ ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर कलर आ रहा है, और ये पर्टिकुलर उसी येलो सीरीज के साथ हुआ है। आपको सबके साथ करना है तो इंडिविजुअल सबको सेलेक्ट करके करना होगा। इस टाइप से आप तरह तरह के एक्टिविटी चार्ट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो रन टाइम भी चार्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टेम्पलेट टाइप का दिया हुआ है। ठीक, ओके, नाउ ये जो है ऑप्शन सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप टाइप का मतलब क्या हुआ, ये तो था आपका कॉलम चार्ट, अगर आपको चार्ट चेंज करना है, जैसे मुझे इसको चेंज करना है लाइन में, तो यहाँ से मैंने लाइन चार्ट ले लिया, ओके किया, तो ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया। देखिए अभी अगर आप एनालिसिस करें तो तरह तरह के चार्ट में हम जब इसी पर्टिकुलर डेटा को चेंज करेंगे तो लिटिल बिट कुछ कुछ चार्ट का जो आउटपुट आएगा वो हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो पर्टिकुलर चार्ट्स के टाइप हैं ये कुछ पर्टिकुलर फील्ड में ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपका लाइन चार्ट, हम लोगों ने देखा है कि क्रिकेट का जो स्कोर वगैरह होता है वहाँ पर यूज होता है इस टाइप से, तो मे बी ये जो स्कूल का जो रिजल्ट टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट ना हो। तो अब कौन सा चार्ट कहाँ पे यूज होता है उसके लिए वो पर्टिकुलर फील्ड पे बिलोंग करता है। जैसे बबल चार्ट में देखिए कुछ नहीं आ रहा है, तो बबल चार्ट जहाँ पे यूज होता है, तो आप अगर किसी फील्ड में हैं तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा चार्ट यूज करना है। इलेक्शन का रिजल्ट उसमें हमारा ये पाई चार्ट यूज होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपने जहाँ पर आप हैं, जिस भी जगह पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा चार्ट यूज होता है, या फर्दर आप नेट पे भी इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। तो कॉलम चार्ट को रहने देते हैं। ठीक, बाकी दैट्स ऑल, आपका ग्राफिक्स के इतने ही ऑप्शन हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर लें तो आपको वर्ड में ग्राफिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आप जब कहीं जॉब में जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो जितने भी मैंने ऑप्शन बताए हैं आप उसमें और भी रिसर्च करेंगे तो और भी चीज़ें आपके सामने आएंगी। कहीं कुछ समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।